मैंने देखी, बहुत बहुत हंसाई। विद्यालय के मैनेजमेंट टीचर प्रिंसिपल साहब और मेरे प्यारे बच्चों, और रोटरी क्लब बरेली सेंट्रल से यहाँ पधारे हुए इस कार्यक्रम पे बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट सारे रोटेरियंस, प्रेसिडेंट मनवीर सिंह, सेक्रेटरी दिलीप जी, मेंबर्स, जो भी शब्द हैं वो आदरणीय अजीत भाई को डेडिकेटेड है। मौके पर घर में आते हुए शायद 40 से 45 वर्ष का समय मुझे हो चुका है और ये स्कूल शायद सर्जन भी नहीं हुआ तब से मैं यहाँ आता रहा। आप सब जानते हैं कि हम एक ब्रिटिश कॉलोनी थे, ज्यादा डिपेंडेंसी थे, और आज के दिन 15 अगस्त 1947 का वो दिन, कोई बता सकता है मुझे कि ये कब डिसाइड हो गया था 15 अगस्त 1947 को? 15 अगस्त का दिन कैसे डिसाइड था? ये हिस्ट्री है। और आज भी मैंने बहुत सारे पॉलिटिशियंस को देखा है कि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और कॉन्स्टिट्यूशन डे या कॉन्स्टिट्यूशनल डे में फर्क नहीं कर पाते और हमेशा ओवरलैपिंग करते हैं बहुत सारी चीजों। मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना यही है कि मैं 3 डेट्स को, होली, क्रिसमस या ईद का दर्जा दे रहा हूं, जिसमें कि 15 अगस्त और 26/11/1949 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे है, जिस दिन की हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शायद एग्जीक्यूट तो नहीं हुआ था लेकिन बन गया था, और 26 जनवरी 1950 उसका एग्जीक्यूशन हुआ। तो मेरा बच्चों आपसे यही निवेदन है कि इस दिन, क्योंकि इसमें एक फ्रीडम वर्ड लिखा हुआ है, आप एक कॉलोनी से डोमिनियन स्टेटस में कन्वर्ट हुए, और वो दिन था 15 अगस्त 1947 का दिन। ये एक्ट हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें ये डिसाइड हुआ और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स में और किंग जॉर्ज सिक्स ने इसको सिग्नेचर किया, जिससे ये क्लियर हो पाया कि 15 अगस्त 1947 का दिन, जिसमें कि हम लोगों को एक डोमिनियन स्टेटस मिलेगा। बहुत सारे लीडर्स शायद इस बात पे एग्री थे कि सोवरेनिटी रहे या डोमिनियन रहे। डोमिनियन कोई मुझे कोई टीचर बता सकते हैं कि क्या चीज है, कौन सा स्टेटस है? इसके अंदर वो स्टेटस आपको मिलता है कि आप डिपेंडेंसी भी रहेंगे, यानी कि जो रूलर होगा, किंग जॉर्ज होगा, सब कुछ आपका होगा, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स, लेजिस्लेटिव पार्ट और एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ पार्ट वो हिंदुस्तान के बाहर रहेगा, यानी कि किंग जॉर्ज के पास रहेगा, और हम फ्रीडम की जो फीलिंग्स हैं उसके साथ जीते रहे। यानी कि 3 इंपॉर्टेंट पार्ट उनके पास रहे। बहुत सारे पॉलिटिशियंस इस बात पे एग्री नहीं थे, लेकिन बहुत सारे लोग सोवरेनिटी चाहते थे। हम हिंदुस्तान के विषय में फ्री होंगे, बात कर सके या हिंदुस्तान में फ्री होंगे। हालांकि वो एक पॉलिटिकल फ्रेज ही मानता हूं मैं आज बहुत सारे मायनों में, लेकिन जो असलियत है वो है आज हम इस फ्री इंडिया के सिटीजन। ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपनी बात को रख पा रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर।
तो बच्चों और मैं इस स्टाफ से ये जरूर कहूंगा कि इस तरह के पर्व अगर हुआ करें तो उससे एक हफ्ते या दस दिन पहले डिबेट जरूर शुरू करें, ताकि हम बहुत सारी चीजों में फर्क इन बच्चों को बता सकें। आज भी मुझे याद है कि जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था और सिक्स में था तो नवभारती एक हिंदी की एक बुक चलती थी, इसमें एक चैप्टर था, उसमें हम लोग पढ़ते थे कि उठो लाल आंखें खोलो पानी लाई। ये उस समय का याद है, शायद 50 वर्ष पहले की बात करता हूं, लेकिन इस उम्र में जब जो जो चीज आप इस लिक्विड में या इस लिक्विड को किसी अगर पॉट में डाल देते हैं तो वो शेप ले लेते हैं। मेरा अपना मानना यही है कि जो वक्त ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये मेमोरीज कमी की, मैं नहीं समझता रिफ्रेश तो हो सकती है, ये आपके माइंड के अंदर इन बच्चों के जो आप लोग फीड कर देंगे या इंजेक्ट कर देंगे वो चीज कमी जाने वाली है। और इसी तरीके से ये फीलिंग्स है, 77th इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अगर इन फीलिंग्स को इंजेक्ट कर दिया जाएगा इन बच्चों में इस समय, मैं समझता हूँ बेटर लीडरशिप मिलेगी, बेटर लीडर्स मिलेंगे, बेटर एडमिनिस्ट्रेटर्स मिलेंगे, ये बहुत आवश्यक है, बेटर ब्यूरोक्रेट्स मिलेंगे। और ये शायद यही वक्त है कि इन पौधों को रोकने का वक्त है, जब बढ़ जाएंगे तो कोई बात ही नहीं है, इस हिंदुस्तान को बेहतर होगा। आज हमारी बहुत सारी परेशानी है शायद इस वजह से हमें बेटर पॉलिटिशियंस नहीं मिलते, बेटर लीडरशिप नहीं मिलती, बेटर ब्यूरोक्रेट नहीं मिलेंगे, जो भी आते हैं एरोगेंस लेके आते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में आज भी आपको लाइन लगा के मिलना, कभी कभी बड़ा हैरेसमेंट भी होता है। अगर बेटर संस्कार इन बच्चों में आज की डेट इस समय इंजेक्ट होंगे रिजल्ट बहुत बेहतर है। मेरा अपना मानना ये है कि शायद घर से बेहतर एटमोसफेयर इन बच्चों को यहाँ पर झेल लेगा, संस्कृति की बहुत कृपा है और आप सब इतने इम्पोर्टेंट रोल में हैं। मैं टीचर से सबसे कहूँगा कि आप लोगों का जो रोल है उनकी माँ से भी ज्यादा ही, ये वही हिस्सा है कि पैदा वही करता है और पालती यशोदा है, इससे बेहतर एग्जाम्पल मैं नहीं समझता कि कोई होगा। इस मैनेजमेंट के विषय में ये जरूर कहूंगा कि संस्कार उन लोगों के खून में जो इस विद्यालय को चला, और ये बात भी मैं दावे से कह सकता हूं कि मुझसे बेहतर तो ही नहीं था। आपसे यही अनुरोध है कि एक बेहतर शिक्षा, देखिए सांसारिक शिक्षा यानी कि संस्कारों की शिक्षा में और ट्रेडिशनल एजुकेशन में बहुत बात है, ये बहुत आवश्यक है कि हमारे बच्चे सिविलाइज हों, ये आवश्यक नहीं कि डिग्रियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पता नहीं आपको या अपने बच्चों को मैं जो बात कह रहा हूं समझ में आ रही है, लेकिन कहते हैं कि डिग्रियां तो महज तालीम के खर्चों की रसीद है, असली जो एजुकेशन है वो किरदार में चलती है। तो आपसे विनती यही है कि इन बच्चों को वो शिक्षा और चाहिए, लोग ये कहेंगे सेंट मैरीज कॉन्वेंट से आज भी ये विद्यालय बहुत रूस पर है, मुझे मालूम है कि आप लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं अभी देख रहा था, देखिए बच्चों के एक्शन बता देते हैं कि बैकग्राउंड कैसी है, जो भी टीचर यहाँ पर डांस की शिक्षा दे रही है उनको बहुत प्रणाम करता हूँ। बच्चों के एक्शन ने बताया है कि कितना बेहतर उन्होंने लर्न किया है। आप लोगों से यही विनती है, मेरी वक्त ज़्यादा नहीं है लेकिन किसी वक्त आऊँगा ज़रूर, इस विद्यालय में बहुत सारी एजुकेशन। इन बच्चों के बेहतर भविष्य की कल्पना करता हूँ।
भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस हिंदुस्तान का भविष्य इन बच्चों में, हिंदुस्तान के लिए बेहतर हो, बेहतर लीडरशिप हम लोगों को मिले, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। इस मैनेजमेंट को, स्टाफ को, स्टाफ प्रोफेसर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने मुझे जैसे कुछ ज्ञानी व्यक्ति को यहाँ पर आमंत्रित किया, मैं आत्मनिर्भर हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।